क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नथिंग मच. क्या हुआ, कुछ टेंशन है क्या? आज मूड ऑफ है क्या? सुबह जल्दी उठ गए आज? गॉट टू गो नाउ. अच्छा लिसन, वो मोबाइल रिपेयर के लिए दिया था, उसको आते हुए ले आना और पैसे ड्रॉअर में रखे, ले लो. मैं करा लूंगा. और एक बात, आते हुए शुक्ला जी से मेरा चेक कलेक्ट करते हुए आना, ठीक है? ओके. और ऑफिस टाइम पे आया करो. ओके, तुम नहीं आते तो सब गड़बड़ होता है. हैप्पी, आप चलो मैं आता हूँ. ओके ओके. हाय संयम, कहाँ है आजकल? जहां भी हूँ अच्छा हूँ. कैसा है तू? वहां से यहाँ बेहतर हूँ. वो तो तुझे देखकर पता लग रहा है, लेकिन आजकल कर क्या रहा है तू? हैश कर रहा हूँ. अरे यार, मैं तुझे तेरे काम के बारे में पूछ रहा हूँ. काम करने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो मिल रहा है. संयम, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझे कुछ कह सकता हूँ? रहने दे, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है. चल बाय. बाय. सम्राट, बहुत हो चुका. दिन ब दिन मेरी तकलीफें बढ़ती जा रही हैं. मुझे तुझसे कई बातें करनी है. घर आ जा, छोड़ दे फिल्मों का चक्कर. माँ, तुम बार बार ये सब बातें मत किया करो. तुम्हारा फोन जब जब आता है मैं नर्वस हो जाता हूँ. माँ सुनो, मेरा एक फिल्म में जुगाड़ हो गया है. अब जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा. माँ मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा. क्या चचा, क्या हाल है? ये कटिंग खिलाना भाई, क्या हाल है? रोज रोज का यही ड्रामा है, जब देखो यार. छोटू, चाय ले क्या? जी सर, लाता हूँ. अरे अरे श्याम भाई, ये वीर भाई है. बहुत सारे एक्टर हैं. और वीर भाई, ये श्याम भाई है, राइटर डायरेक्टर है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है. हेलो सर. क्या मजाक उड़ा रहा है पटेल? मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ. अगर इंटेलिजेंट इतना ही होता तो दो चार फिल्में लिख के और बना के रिलीज करके घूम रहा होता, यहाँ थोड़ी बैठा होता तुम लोगों के बीच में. अरे श्याम भाई, ऐसा मत बोलो, लिख के ले लो, एक दिन आपका भी आएगा. अरे भाई सम्राट, क्या हाल है? अरे विवेक, कैसा है भाई तू? बस ठीक हूँ, तू बता अपने बारे में, कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है क्या? बस यार, एक प्रोडक्शन कंपनी से जुड़ा हूँ, वो लोग मुझे लॉन्च करने वाले हैं एज अ लीड हीरो. अरे क्या बात है यार, कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. अच्छा यार सम्राट, कुछ फिल्म के नए प्रोजेक्ट वगैरह हैं क्या? यार क्यों, एक इन्वेस्टर था यार, उसकी एक रिक्वायरमेंट थी. ये यार अभी तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ होगा तो जरूर बताऊंगा, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ. चल मिलते हैं फिर. श्योर यार, है ना? बाय बाय, मिलते हैं जल्दी. बाय. क्या छूतिया इंसान हो तुम भी, बाय गॉड. अरे दो दो प्रोजेक्ट रेडी पड़े हैं, तुम्हारा भी तो फायदा है इसमें. दो दो फिल्में एज अ हीरो मिलेंगी तुम्हें, इसमें इतना पूछने सोचने की क्या बात है? अकल लगाओ कुछ, मीटिंग फिक्स करो, बात करो, बात को आगे बढ़ाओ. ओके ओके, बात करता हूँ.
आ जाते हैं हीरो बनने भैनचोद। मिस्टर शर्मा, सम्राट ना? हाय। हेलो रेहाना मैम। हाय, नाइस मीटिंग यू। वेलकम। बेबी, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें पता है शर्मा पैसे देने को रेडी हो गया, और अब हम पहले शर्मा की फिल्म करेंगे और फिर गहरी चाल। आर यू हैप्पी नाउ बेबी? यस। ओ माय डार्लिंग बेबी। माँ का फोन है ना? मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, जब जब माँ का फोन आता है तू रिसीव नहीं कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है? बात क्यों नहीं करता है? मैं क्या बात करूँ यार, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। घर में कई सारे प्रॉब्लम्स है, रुपयों की जरूरत है। तू तो जानता है यार, साला यहाँ खाने तक के पैसे नहीं होते। और तेरे घर में कौन कौन है? मैं, माँ और मुझसे बड़ी एक बहन। और तेरे पापा? जब मैं 5 साल का था तब मेरे पापा हमें छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास चले गए थे। उन्होंने कभी हमारी केयर नहीं की, माँ की, परिवार की कभी परवाह नहीं की। पर मेरी माँ हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी, पर आज वो जिंदगी से फाइट लड़ते लड़ते थक चुकी है, और उसका बेटा उसका सहारा नहीं बन रहा है। लानत है मुझ पर। पर सम्राट, तू तो दो दो फिल्म कर रहा है, कुछ साइनिंग अमाउंट तो मिली होगी ना? अभी तक कुछ नहीं मिला। फ्यूचर की उम्मीद में रेहाना के नखरे सह रहा हूं, पपलू बन गया हूं मैं उसका। दिन में ऑफिस में काम करो और रात में उसके बदन को गर्मी दो। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। जिस डायरेक्टर के साथ लोग काम करने के लिए सपने देखते हैं, मैं उनके साथ काम करने वाला हूँ। मेरी आज उनसे मीटिंग है। तेरी तो निकल पड़ी बॉस। थैंक यू। मिस्टर शेट्टी, एक्चुअली मैं फिल्मों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ये फिल्म मैं सिर्फ अपनी बेटी का दिल रखने के लिए बना रहा हूँ। और यह है मिस्टर गोयल, इस प्रोजेक्ट की देखभाल इन्हीं के हाथों में रहेगी। सर, मार्केट में मेरी रेपुटेशन एक सक्सेसफुल डायरेक्टर की है, और मैं अपने शर्तों पे ही काम करता हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ बोलो, कहिए। मैं कभी नए लड़कों को लेकर फिल्म नहीं बनाता। क्यों? हाँ, लेकिन नए लड़कों को सपोर्टिंग एक्टर में ले सकता हूँ सर। लेकिन मेरी मिस्टर सेठी, मेरी बेटी तो चाहती है कि वो लीडिंग रोल करे, हीरो का रोल करे। ऑफ कोर्स, दिस इज द बिजनेस सर, और बिजनेस में कभी मैं इमोशन नहीं लाता। आई सी। मतलब बेटा, तुम जरा वीर को वो चाय कॉफी पिलाओ। श्योर डैड। मेघा। अरे अक्षय, तुम
नो कॉल्स नो मैसेजेस, ऐसा कैसे हो गया? कई दिनों से तुम शूट में बिजी थी, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। That's okay. I'll see you after the shoot. You can go now. हाय हाय बेटा। Yep. बेटा वो डायरेक्टर से मिला, मुझे तो काफी टैलेंटेड लगा, पर उसके कुछ आइडियाज हैं, कुछ मशवरा दिया है उसने, सलाह दी है कि हमें पहली पिक्चर, क्योंकि हमारा बैनर भी नया है, तो हमें पहली पिक्चर जो है ना किसी बड़े स्टार को लेके बनानी चाहिए। क्या है कि पिक्चर का हिट होना बहुत जरूरी है, और मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर में वीर कोई साइड रोल कर लेगा। No, Dad, but he's so talented. You can't just waste him like that. I know, बेटा, no, we are not wasting. He's there, you know? हमने और भी तो पिक्चर्स बनानी है ना। अगर तुम्हारी ये पिक्चर नहीं चली तो क्या फायदा है, तो वीर की भी लाइफ खराब होगी ना। I wish you good luck. और बेटा मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकता हूँ। Don't worry. We'll make another film. We'll make another film. ठीक है? और you come with yes, me. Sir. Come. I know Veer, but Shetty ji बहुत बड़े director हैं। मुझे लगता है तुम्हें उनकी advice मान लेनी चाहिए। And you never know. ये इस बड़ी फिल्म में एक छोटा रोल करने के बाद भी शायद तुम इतने नोटिस हो जाओ कि इसके बाद तुम्हें मेन लीड के ऑफिस आने लगे। प्लीज जानवी, इस टॉपिक पे मैं बात ही नहीं करना चाहता। हाँ सम्राट, आज की पुणे की एक टिकट बुक करो। हाँ अर्जेंट। हाय सम्राट। हाय। कहाँ जाने का प्रोग्राम है? नहीं यार, किसी और का टिकट है। और क्या चल रहा है आजकल? बस एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एज अ लीड हीरो। गुड, सुनकर खुशी हुई। कौन सा प्रोडक्शन? आरएम फिल्म्स। आरएम? वो रेहाना मिर्जा? हाँ, क्यों? बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, रेहाना मिर्जा की तो पूरी कुंडली मेरे पास है।